Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my talk. आज की सुबह कुछ ऐसी हो रही है जहाँ बारिश हो रही है. बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और मैं मित्र लेके जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने लक्ष्मी नगर हॉस्पिटल में. हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अम्मी को दिखाया अच्छे से. घर की वापसी करने लगे हैं. बारिश बिल्कुल रुक गई है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है. घर आते ही सारे काम निपटाए और घर की करी साफ़ सफाई, क्योंकि आज मैं बुलाने वाली थी मदरसे से बच्चों को. बच्चे आ गए थे और उन्होंने कुरान खानी शुरू कर दी थी. सब ने अपने अपने कुरान पढ़ने शुरू करे और इनका नाश्ता यहाँ पर मैंने रखा था. ब्रेड पकौड़ा था, समोसे थे और जलेबी रखी थी ताकि थोड़े रिफ्रेशमेंट हो जाए, अच्छे से खा पी लें. बेसिकली मकसद मेरा ये था ताकि घर में कभी कभी कुरान खानी हो लेनी चाहिए. और मेरे मामू की तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे खाला की और अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उनके लिए कुरान खानी करवाई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ करी थी उन लोगों ने. और यहाँ पे मैंने उन सबको खिला पिला के भेजने के बाद मैंने अपनी नई रेसिपी रिकॉर्ड करी थी. इस रेसिपी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी. और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज वीडियो अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और रात में हम रात नहीं, ये सुबह के 5 बज रहे थे और हम बड़े ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे मामू का इंतकाल हो गया था. रात के 3 बजे मेरे कज़न का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि मामू का इंतकाल हो गया है. हमने पहली फ़्लाइट पकड़ी 8 बजे ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें टिकट मिला, फ़्लाइट पकड़ी और हम वहाँ पहुँच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे मामू की मगफ़िरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें जितना हो सके. अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे. और हम दिल्ली टू वाराणसी गए थे. वाराणसी के बाद हम सीधा बाय कार घर को पहुँचे. बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ. प्लीज़ मेरे मामू के लिए ज़रूर से दुआ करें. अल्लाह हाफ़िज़.